तो दोस्तों हमारे पास ये शूज़ है अभी निविया का इग्नाइट, और सच बताऊँ तो इसका जो मेरे हाथों में ये है ना, ये बहुत बढ़िया एक फील दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट शूज़ है। जो इसकी प्राइस रेंज है इसमें काफ़ी लाइट वेट शूज़ है। ये आपको बेसिकली दो कलर्स में मिल जाता है, एक ये ब्लैक के साथ ब्लू वाइट ये कलर कॉम्बिनेशन है, दूसरा एक इसका गोल्ड में आता है, ब्लैक एंड गोल्ड ऐसे करके आता है। तो मुझे तो ये वाला पसंद था तो हमने ये वाला शूज़ मंगवाया, वाइट वाला। और अगर आप इसको देखें तो कलर अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। एंड इसमें भी जो है ना, जो टेक्सचर्ड है इसकी, अपर जो है इसका पूरा का पूरा टेक्सचर्ड है, तो इसमें बॉल कंट्रोल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि टेक्सचर्ड है तो आपको टचेस बढ़िया आएंगे इसमें। इसके बाद इसके लेसेस की बात करें तो निविया सफारी के कंपैरिजन में इसके लेसेस मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, हालांकि नायलॉन के ही हैं, बट सही फील दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आप इसे बांधेंगे तो अच्छे से टाई हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं। बात करें अगर इसकी हम कुशनिंग की, तो इसकी कुशनिंग अच्छी है, बेटर है सफारी के कंपैरिजन में, अच्छी कुशनिंग है, आपको कंफर्ट देंगे खेलने के दौरान, आपके पैरों को ज़्यादा पेन नहीं आएगा इसमें, थोड़ा आराम मिलेगा। बात करें अगर इसकी हम एंकल प्रोटेक्शन की, तो अगेन ये भी यहाँ तक है, काफ़ी हार्ड है, और ये ऊपर तक है, दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और वहीं अगर बात करूँ मैं इसके फ्रंट में, तो इसके फ्रंट का जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा मोटा या कहें टफ़ नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई यहाँ पर लगती है, कोई अगर स्टड्स लेके यहाँ पे चढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इस शूज़ में नहीं है। सफारी में वो प्रोटेक्शन ज़्यादा था, बट इसमें वो कम है। बात करेंगे इसके आउटर सोल की, तो इसके आउटर सोल में अच्छी फिनिशिंग है, और इसके जो स्टड्स हैं वो ब्लेड टाइप स्टड्स हैं। दैट मीन्स कि आपका जो ग्राउंड पर आप मनूवर करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न है, एजिलिटी है, तो उसमें काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी क्विक मूवमेंट होगी, ग्राउंड पर आपको अटकना रुकना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ईजिली आप टर्न एंड ट्विस्ट कर सकते हैं, तो उस मामले में शूज़ अच्छा है। इसके शूज़ के यहाँ पर भी कुछ टेक्सचर्स बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ ये हेल्प करते होंगे, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, लाइट वेट शूज़ है। दोस्तों निविया ने इसकी प्राइस 1500 रखी है, पर यकीनन हम आपको बताएंगे कि आपको उससे कम में कहाँ मिल सकता है, काफ़ी कम में कहाँ मिल सकता है। तो इसकी भी परफॉर्मेंस हम देखेंगे इसको पहन करके, इसका टच फील शूट और फिटिंग कैसी है, तो जस्ट स्टे विद अस। तो दोस्तों अब है हमारे पास निविया का डैगर। अगर आप देखें इस शूज़ का डिज़ाइन, सबसे पहले जो है वो बहुत ही शानदार लग रहा है, और इसकी अगर हम बात करें आउटर लेयर की, तो इसमें पूरे के पूरे इस पर 3D एम्बॉसिंग है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, कुशनिंग इसमें बहुत अच्छी है, आपको इसके जो इनर लाइनिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस कि कम्फर्ट है। और इसकी जगह मैं बात करूँ कुशनिंग की, इसकी जो पैडिंग है, तो वो निविया सफारी और जो हमने देखा था निविया इग्नाइट, उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी कुशनिंग ज़्यादा बेटर है। अगेन इसका जो एंकल प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ तक है, तकरीबन सेम है, लेकिन हाँ ये हार्ड है, तकरीबन इस जगह से पूरा यहाँ तक ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको एक प्रोटेक्शन देता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ सेफ्टी है कि हाँ आपके शूज़ यहाँ से आपको तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो ये डिज़ाइन है, अगर आप देखें इस कर्व को, नीचे तक कर्व गया है, दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा ये नेचुरल, जैसे आपका फुट होता है ना वैसा फील देगा कि हाँ आपके पैर पे पूरा बॉल आएगा, इसमें कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके अलावा शूज़ लाइट वेट तो है ही, अगर मैं बात करूँ इसके सोल की, तो इसका सोल जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, इसमें मिक्स ऑफ राउंड स्टड्स एंड ब्लेड स्टड्स दोनों इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये कुछ इस तरह का कंपनी डिक्लेयर करती है मटेरियल है कि आपका अब्रेशन भी कम करेगा, तो हार्ड ग्राउंड पे जब आप इसे खेलते हैं, नॉर्मली जूतों में क्या होता है, मैंने डिटमर भी यूज़ किया हुआ है, मैंने ऑस्लर ब्लेड भी यूज़ किया हुआ है, तो शूज़ ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके जो स्टड्स होते हैं फर्म ग्राउंड या आप डर्ट पे खेलते हैं, जैसे कि हमारा ग्राउंड आपको पीछे दिख रहा होगा, तो डर्ट वाला ग्राउंड है ये, तो यहाँ पर अब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और जूते बहुत जल्दी घिस जाते हैं। बट इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया, कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ है, तो ये मटेरियल मुझे लग रहा है इतनी जल्दी से नहीं घिसना चाहिए,
और एक चीज़, अगर आप उसके स्टड्स का पैटर्न देखें तो आप कुछ इस तरह के पैटर्न हैं, दैट मीन्स कि आपकी टर्निंग, इसमें टर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं ये शूज़। मनूवर जो आप ग्राउंड पे करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन शूज़ से, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप जब जूते होते हैं, जब आप टर्न करते हैं या ऐसे आप कोशिश करते हैं ऐसे पैरों को मोड़ने की, उस टाइम पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आपके पैरों पर लगता है, बट यहाँ पर वो फोर्स काफ़ी कम लगेगा। बाकी इसको हम पहन करके देखेंगे तो हमें और बेहतर पता चलेगा कि इसका फील कैसा है। तो इसको भी हम पहन करके ग्राउंड पर चेक करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम ट्राई करेंगे हमारे डैगर शूज़ को, हम ट्राई करने जा रहे हैं, तो आई एम एक्साइटेड कि ये शूज़ कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ, सबसे पहली बात, अभी तक जो मैंने शूज़ पैर के अंदर डाला है तो इसका फिट बहुत अच्छा आ रहा है, विच आई रियली लाइक। मैंने सफारी को भी डाल करके देखा था तो उसके कंपैरिजन में ये फिट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये एरिया जो इसका, ये बहुत अच्छा फिट आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि गैप है, ये ऑलमोस्ट इसने मेरे पैर की शेप को एक्वायर कर लिया है। अंदर से भी जो इसका पैडिंग वगैरह है वो बहुत अच्छा पैरों पर फिट आ रहा है। ये शूलेसेस ऐसे कि अगर एक बार आपने इसको अच्छे से बांध दिया तो उसके बाद ये कहीं नहीं जाने वाले यार, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी लाइट शूज़, वेरी 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 लाइट शूज़, बहुत बढ़िया फील आ रहा है इसमें, फील बहुत अच्छा है, टचेस इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट यू आर जस्ट प्लेइंग बेयर फुट। पावर आ रहा है, एफर्ट जो है आप डाल रहे हैं पूरा बॉल पर आ रहा है, बहुत बढ़िया इम्पैक्ट। जब पैर जो है बॉल पे कनेक्ट होता है, इट जस्ट गोज की लाइक जितना एफर्ट आप पैरों पे डाल रहे हो बॉल पे कन्वर्ट हो रहा है, तो इट्स रियली नाइस। अगर बात करें निविया इग्नाइट की तो ये शूज़ भी स्टैंड आउट है, काफ़ी लाइट वेट है डैगर की तरह, और इसका फील और कम्फर्ट दोनों ही अच्छे हैं, तो मिड रेंज में ये भी एक अच्छा शूज़ है, और प्रोटेक्शन वगैरह भी इसकी ठीक है, बट अगेन जो इसकी मूवमेंट है डैगर की कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे रिस्ट्रिक्टेड लगती है, इसकी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनली ये विनर जो अभी निविया के नए लॉन्च में डैगर है, अगर आपको एक लाइट वेट और हाई परफॉर्मेंस शूज़ चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डैगर। ये इसकी प्राइस जो है अमेज़ॉन पर मेरे ख्याल से 1600-1700 के आसपास है, वेरी कर रही है अभी डील्स वगैरह के थ्रू, कहीं कहीं पर फ्लिपकार्ट में और भी सस्ते मिल रहे हैं, बट अगर आप दिल्ली में और आप चाहते हैं कि ये शूज़ आप सस्ते में लेना, अगर आप ये देखें तो इसमें एक चीज़ है कि अभी हमने शूज़ को पहन के ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए खेला, बट अब ब्रेजन इसके स्टड्स पर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये तो होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा कुछ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आप अपना माइंड मेकअप रखें कि हाँ ब्रेजन होगा, ये जूते यहाँ से घिसेंगे, बल्कि सारे जूते घिसेंगे। एक सेकेंड, अगर मैं इन तीनों को देखूँ तो तीनों में ही इस तरह का है, तो निविया के स्टड्स में प्रॉब्लम होती है, मेरे पास डिटमर और उससे पहले ऑस्लो ब्लेड भी मैंने यूज़ किए हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का है कि अब्रेजन होता है, ये जल्दी से घिस जा, जल्दी मतलब ठीक है पर घिसते हैं, अदरवाइज़ बाकी फील, कंफर्ट, पावर, इम्पैक्ट सब में जूता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है इन शूज़ के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी सस्ते जूते चाहिए तो जो आपका अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे प्राइस है ना, अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप चाहते हैं कि जूते आपको उससे भी सस्ते मिल जाएँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जाना होगा दिल्ली के सदर बाज़ार, और वहाँ पर बलूजा स्पोर्ट्स करके एक दुकान है, वहाँ पर आपको जाना होगा, एंड आई बेट यू कि आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से ही सस्ते जूते वहाँ पर मिल जाएंगे, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप उनसे कैसी बार्गेनिंग कर पाते हैं।